केंद्र सरकार की माने तो देश में अनाज की कोई कमी नहीं है। अप्रैल महीने में ही केंद्रीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने कहा था कि देश में अगले 9 महीने के लिए अनाज मौजूद है। फिलहाल देश में 630 लाख मीट्रिक टन अनाज भंडारों में है, जबकि हर महीने की जरूरत है सिर्फ 60 लाख मीट्रिक टन। रबी की फसल भी अच्छी हुई है तो आगे भी कमी की गुंजाइश नहीं है। बावजूद इसके कोरोना संकट काल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भूखे हैं, उन्हें अनाज नहीं मिल पा रहा। यानी कमी अनाज की नहीं बल्कि कहीं न कहीं सिस्टम की है। सरकार ने फिलहाल पीडीएस के तहत प्रत्येक व्यक्ति को मासिक 10 किलो अनाज देने का फैसला किया है। हालांकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक 3 महीने का अनाज एक साथ दे देना चाहिए, इससे गोदाम से पुराना स्टॉक निकलेगा और जगह बनेगी, साथ ही लोगों को अनाज की कमी भी नहीं होगी। इसके अलावा ये मांग भी हो रही है कि सरकार मौजूदा पीडीएस सिस्टम में उन 10 करोड़ लोगों को भी जोड़े जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। अर्थशास्त्री जॉन रेस के मुताबिक मौजूदा समय में सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर पीडीएस के तहत आने वाले लोगों को ही अनाज उपलब्ध करवा रही है, जबकि 9 सालों के दौरान इस दायरे में करीब 10 करोड़ नए लोग आ चुके हैं। वहीं केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में 5 और राज्यों को जोड़ा है। ये हैं बिहार, यूपी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन व दीव। इन राज्यों के बाद इस योजना के तहत अब कुल 17 राज्य हो गए हैं।